प्राइस पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय लुटेरे व एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसका सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि पिपराइज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हरखपुर पुलिया के पास से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान नीरज साहनी पुत्र पूजा साहनी निवासी चांदपार थाना केसरिया जनपद मोतिहारी बिहार, सत्येंद्र साहनी पुत्र विद्या साहनी निवासी चांदपार, दीनानाथ महतो पुत्र भगवान महतो निवासी चांदपार थाना, मुरारी महतो पुत्र लक्ष्मण महतो, रूपक कुमार सिंह पुत्र नंद किशोर सिंह निवासी चांदपार तथा रोशन कुमार पुत्र संजय साहनी रुलही मजहार थाना मुफस्सिल जनपद मोतिहार बिहार के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने लूट के 50,800 रुपए, 2 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 23 एटीएम कार्ड, 1 ग्रीन कार्ड, घटना में प्रयुक्त 1 i10 हुंडई ग्रैंड कार बरामद किया है। एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त 28 जून को पिपराइज क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के पास से एक महिला से 49,000 रुपए की टप्पेबाजी के अलावा जनपद महाराजगंज के थाना क्षेत्र नौतनवा और जनपद मऊ के थाना क्षेत्र दोहरी घाट से भी टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इसके पूर्व में इन लोगों ने बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली के अन्य स्टेट के विभिन्न जनपदों में जाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में पिपराइज थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, स्वाट टीम प्रभारी सादिक परवेज, एसओजी प्रभारी चंद्रभान सिंह, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल विपेंद्र मल, योगेश सिंह, राकेश कुमार यादव, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल अरुण कुमार यादव, नमित मिश्रा, अरुण कुमार राय, गणेश शंकर पांडे और अशोक चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, नाम लिखा ना उतर लोगे शुक्ला जी, आप पीछे आ जाइए। चला जाओ ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार। एक मिनट हो गए, खुल जाइए। दिनांक 28/6/21 के लिए थाना पिपराइच में पीएनबी बैंक के पास एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी और उससे 49,000 रुपये टप्पेबाजों ने ले लिए थे। उस घटना का खुलासा के लिए सीओ चौरी चौरा और सीओ क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम और इंस्पेक्टर पिपराइच के लिए लगाया गया था।
इन लोगों ने सुराग रसी पता रसी से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। ये एक इंटर स्टेट गैंग के सदस्य हैं। इनका मुखिया नीरज साहनी है। ये सभी जनपद मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग बैंक में जाके भोले वाले लोगों को पैसा जमा कराने के नाम पे उनको झांसा देकर उनसे पैसा ले लेते हैं, उनका मोबाइल ले लेते हैं और इस प्रकार उनके लिए बहला फुसला के टप्पेबाजी से पैसा बरामद करते हैं। जैसे ही इनके पास असली पैसा आया, मोबाइल आया, एटीएम आया, उसको लेकर चले जाते हैं। इनके पास से 23 एटीएम कार्ड और एक पैसे जमा करने का ग्रीन कार्ड बरामद हुआ है। i10 हुंडई कार बरामद हुई है जो कि नीरज शाहनी जो कि गैंग का मुखिया है उसी के नाम में है, और 2 तमंचे इनसे मिले हैं और 3 कारतूस और 1 खोखा भी मिला है, और लूट के 50,800 रुपये मिले हैं। इसके अलावा इन लोगों ने नौतंबा महाराजगंज में भी घटना की है और मऊ दोहरी घाट में भी इन्होंने घटना की है, और इस गैंग ने उत्तराखंड में, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में और दिल्ली में ऑपरेट किया है। ये वहाँ भोले भाले लोगों को इस प्रकार से ठगी का शिकार बनाते रहते हैं। इस पूरी घटना का पर्दाफाश और इनकी गिरफ्तारी करने में इंस्पेक्टर पिपराइट सूर्यवान सिंह और इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच सूर्यवान शुक्ला और इनकी टीम शारिक परवेज, चंद्रवान सिंह, अरुण कुमार सिंह, एसओजी स्वाट टीम पूरी शामिल है। टीम ने अच्छा काम किया है। देखिए, अभी तक इनसे पूछताछ में हमारे पास 3 घटनाएं, जिनमें एक जैसा मैंने बताया, एक महाराजगंज की है, एक मऊ की है और एक पिपराइच की है। इसके अतिरिक्त इनका आपराधिक इतिहास इनके मोतिहारी जनपद से पता किया जा रहा है जो कि विवेचना का विषय है। अभी तक तो पूछताछ से ये 6 लोगों का ही गैंग है। बाकी ऐसी बात जानकारी में आई है कि शरणदाता के बारे में अभी तक कोई ऐसा नहीं, ये लोग इधर उधर अपने कहीं किराए पर रह लिए आए रहे हैं, तो ये बात इनके प्रकाश में आई है कि अपना अस्थाई कोई बसेरा बनाए, अपना काम किया और निकल गया।